हाँ तो साउथ से अगर कोई हमारा व्लॉग देख रहा हो तो गुड न्यूज़ ये है कि मैं बता रहा था आपको, स्पॉन्सरशिप के लिए मैं अप्लाई करता रहता हूँ ना, पिथौरागढ़ से मसूरी, मसूरी से पिथौरागढ़, सारा फ्री हो सकता है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नहीं, जय श्री राम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज लगातार दूसरे दिन सुबह सुबह नई सुबह की शुरुआत के साथ नए ब्लॉग की भी शुरुआत हो रही है, और किचन में आप देख सकते हैं स्नेहा और काइनू। और आज की जो सुबह है हमारी, काफी जल्दी हो गई थी हमारी आज सुबह। सुबह जल्दी होने का रीजन बताओ, गुड न्यूज हो? गुड न्यूज तो देना, गुड न्यूज तो देने में माहिर है। हाँ, तो गुड न्यूज ये है जी, आज काइनू बन गई हमारी दीदी। मात्र 13 महीने भी अभी कम्प्लीट नहीं हुए यार, काइनू दीदी बन गई है। देखो तो बात ये है कि हमारे जो पप्पूदा है, मेरे ताऊजी के लड़के, मेरे कजिन भाई, तो वो उनको हुआ है। इसको देखो तो बीच में थूक कर रही है वहां से। क्या थूक रही है यार, मुंह अंदर से? उसके मुंह में मटर है। तो पप्पूदा को आज बेबी बॉय हुआ है, वो भी सेकंड, जो पहला वाला बेबी बॉय है कान्हा, वो पप्पूदा। नीरू भाभी भी बोल, भाभी जी तो भाभी जी हुई है, भाभी जी से चलते रहते हैं। भाभी जी और पप्पूदा को सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयां, आपके घर में फिर से लड़का हुआ है तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने देखा होगा हमारे ब्लॉग में कभी कभी कान्हा आता है, कृष्णा, कृष्णा कान्हा, कृष्णा उसके पापा का नाम है कार्तिक, 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 हाँ, कार्तिक का छोटा भाई हुआ है। हाँ, छोटा भाई हुआ है कार्तिक। एक्चुअली जो कार्तिक है वो 8 साल का है, और 8 साल के बाद आज उनके घर में फिर से एक खुशी आई है, नन्ही जी, छोटी सी खुशी आई है जो कि बहुत बड़ी है। और इसी वजह से मैंने कहा सुबह सुबह गुड न्यूज दे देते, आज मैंने इनको लॉग शूट नहीं करने दिया सुबह सुबह, बट इन्होंने गड़बड़ क्या कर दी ना, एक बार मैं बता चुकी हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इन्होंने शूट ही नहीं करा था, इतना गुस्सा आया ना मुझे। इससे पहले भी सेम चीज शूट हुई थी हमारी, शूट ही नहीं हुई, खाली बड़बड़ा रहे। गाना के बारे में स्पेशल, अरे ये क्या, ऊपर से थोड़ा थोड़ा, हाँ ऐसे देखा, इनको शूट करना भी नहीं आता। तो गाना के बारे में ये है कि गाना जो है ना, जहाँ पर हम रहते हैं सुरखाल में, हमारे घर में, मतलब मेरे बाद जो बच्चा पैदा हुआ तो गाना हुआ, मेरे बाद देखो इतना गैप में गाना पैदा हुआ, गाना के बाद इतने बच्चे पैदा हो गए ना, गाना के बाद गुन्नू, गुन्नू के बाद शिवम, शिवम के बाद ये छोटा, छोटे के बाद छोटा, 5। मेरी तरफ से भी भाभी और दादा को ढेर सारी बधाई, काना को भी बताई, और ये देखो सुबह सुबह क्या खा रही है, दीदी को भी बताई, दीदी देखो, दीदी प्याज, दीदी प्याज खा रही है, ये दीदी हमारी वो है यार, हेलो करो, हाय कर दो सबको, हाय दीदी हमारी वीगन है पता है। तो चलिए थोड़ा सा बाहर के नजारे, क्या ही मस्त धूप खिल गई है बाहर, तो और इधर सब्जी वब्जी बनना स्टार्ट हो गई है, आलू मटर। सुबह सुबह अगर व्लॉग स्टार्ट हो जाता है ना, अच्छा ही फील होता है। थोड़ी देर में अब नहा धो के चमक के मिलते हैं। मैं शूट करने के लिए सोच रही हूँ, और ये मेरे पीछे पीछे ऐसे भाग रही है ना, जैसे कि कहीं चले जाएगी, क्योंकि मैं चलते चलते शूट करती हूँ। और ये चल रहा है भिटौली महीना, तो लोगों के बिटोले बिटोले आ रहे होंगे, हमारे भी कुछ टाइम पहले मेरे भी आए थे, मतलब पापा बिटोला देने के लिए मेरे को। खैर उस टाइम पे हमने कुछ ऐसा बनाया नहीं, मिठाई विठाई बांट दी थी, क्योंकि उस दिन हमको ना जाना था सुरखाल, दीदी लोग आए थे जिस दिन उस दिन। और बिटोली महीने में हमारे यहाँ बनते हैं पुए और पूड़िया। पुए बनते हैं चावल वाले आटे के, और पूड़िया गेहूँ के आटे की। तो आपके यहाँ भी शायद सेम बनता हो, या फिर कुछ और बनता हो, सिंगल विंगल बनता हो, तो ज़रूर बताएं। आज हमने भिटौली महीने का एक स्पेशल डिश बनाया, मतलब कि पुए बनाए, वो भी पहली बार, जो कि हम खा चुके हैं, और आप लोगों के लिए कुछ शॉर्ट्स लिए हमने कि कैसे बने। पुओं के लिए जो चाहिए होता है, मतलब मेन इंग्रेडिएंट्स जो है पुए का, वो है चावल का आटा, और एक बोलते हैं उदाव भी बोलते हैं, दून भी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मतलब कि एक ऐसा पेस्ट चाहिए होता है जो बहुत, जिसमें चिकनाहट हो, जैसे कि भिंडी में होती है ना चिकनाहट वैसी, तो उसे पुए का जो बैटर बनता है ना आटे वाला, उसमें मिक्स करना होता है, तो वो काफ़ी अच्छा बनता है बोलते हैं। तो मम्मी ने सब कुछ भेजा था वहाँ से, चावल का आटा भी, और वो उदाव भी पीस के भेजा था। तो हमने ट्राई किया, जैसे ही हमने ट्राई किया, पुए बहुत अच्छे बने, बट सिर्फ एक साइड से, दूसरा साइड जो पुए का था वो उसका बिल्कुल अपोजिट था, वो बोलते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और तो एक साइड दिखाने वाला था, एक साइड खाने वाला। खैर दिखने में जैसे खाने में मस्त हो रहे थे ये, हाँ दिखने में जैसे भी हुए थे, खाने में मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पुए नहीं बनते, बट मेरे ससुराल साइड में बहुत ज़्यादा पुए बनते हैं, तो इनको काफ़ी पसंद है। मेरी सासू माँ मेरे को
कुड़कुड़े से हो रखे थे लेकिन अच्छे हो रहे। मेरे सासू माँ मेरे को ताने भी मारती हैं, बोलती हैं मेरे भाव को तो पुए बहुत पसंद है लेकिन तू तू इस काम की भी नहीं है कि तू पुए बनाए। तो खैर कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि बहू ही पुए बनाए, बेटा भी पुआ बना के उनका भाव भी तो पुआ बना के मुझे दूसरे के भाव को खिला सकता है ना, तो इस वजह से। बट खाने में अच्छे थे, जैसे कि माए ने बोला खाने में काफ़ी अच्छे थे। मुझे जो फूले फूले वाले पुए होते हैं ना वो पसंद नहीं आते, मुझे लगता जैसे कि कच्चे हैं। बट वो ऐसे थे क्रंची क्रंची कुरकुरे से थे तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, खाने में बहुत टेस्टी थे। पुए इडली जैसे होते हैं क्या पुए? इडली में तेल नहीं होता ना। हाँ इडली स्टीम करके बनता है ना, स्टीम करके बनता है, उसमें ऑयली बिल्कुल नहीं होता। मतलब इडली भी तो आटे का ही, चावल के आटे का ही। हाँ इडली जैसे होता है, क्योंकि क्या पता हमारे व्लॉग्स जो हैं इडली की साइड में बनता है। साउथ में बनता है। अच्छा नॉर्थ में तो हम हुए ना, साउथ में। हाँ तो साउथ से अगर कोई हमारा व्लॉग देख रहा हो तो वो सोचेंगे पुए क्या होते हैं भाई। मैं पहले पुए की जो रेसिपी थी ना वो यूट्यूब में सर्च करती थी बट कभी नहीं आया, तो मैं डालूंगी पुए की रेसिपी क्योंकि मेरे को बनाना आ गया ना अच्छे वाले। क्या है? पत्थर है इसके मुंह में, इसके मुंह में पत्थर है और ये देती नहीं है, ये बहुत ही नखरे करती है। अब आप नीचे रखो इसको, नीचे रखो, ये देखना कैसे भागेगी। मांगो मांगो मांगो, दो जल्दी, दो जल्दी। ओ देखो टकले को, दे जल्दी दे जल्दी, मांगो इससे, मांगो, दो जल्दी निकालो मुझे। वो मेरे साइड को इसलिए आती है ना, ये सोचती है ये प्रोटेक्ट करेगी मुझे गलत कामों में भी, नहीं करूँगी, दिखाओ दो इसको। आजकल देखिए ना चारों तरफ कितनी ग्रीनरी सी छाई हुई है, देखो एकदम हरा 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 भरा दिख रहा है चारों तरफ, और इसकी वजह से ना काफ़ी सुंदर भी लगता है आजकल। तो यार मेरे पास एक गुड न्यूज है, स्नेहा के लिए गुड न्यूज है, आप लोगों के लिए है नहीं है, वो तो आपको बाद में पता चलेगा। बाकी मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे मैं ना अलग अलग जगहों पे, जैसे मसूरी मुक्तेश्वर अलग अलग जगहों पे जो होटल वाले होते हैं या फिर कुछ ट्रैवल एजेंसीज होती हैं जिनको मैं मैसेज वगैरह मेल वगैरह करके स्पॉन्सरशिप के लिए बात करता रहता हूँ, जिससे कि अगर हम घूमने जाएँ तो वो फ्री ट्रिप हो उनकी तरफ से हमें मिले, तो ऐसा कुछ है। तो इसके बारे में पहले मैं स्नेहा को बताता हूँ। वाह यार मौसम तो क्या गजब। अरे ये देखो टकलू खाना खा रहा है, अरे मुंह पूरा भर रखा, कैसे देख रहा है बिल्लू की तरह, अरे कैसे देख रही है कैसे देख रही है देख। तो मेरे पास एक गुड न्यूज है, सुनाता हूँ तेरे को अभी, पहले तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ ये क्या गजब का हो रखा है भाई, पूरे आसमान में रुई फैल रखी है, जबरदस्त मौसम हो रखा है यार, हैं कैसे हुआ ऐसा ये? मैंने बनाया। तो गुड न्यूज ये है कि मैं बता रहा था आपको स्पॉन्सरशिप के लिए मैं अप्लाई करता रहता हूँ ना ताकि हमारा ट्रिप फ्री हो जाए, तो स्नेहा को मैं ये गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि हमारी एक स्पॉन्सरशिप मतलब वहाँ से रिप्लाई आया है तो फ्री हो गई है। दो हैं एक्चुअली, दो जगह में हम घूम सकते हैं जिसमें से एक जगह फ्री है, पूरा फ्री है, और उसमें पिथौरागढ़ से हम बाई एयर जा सकते हैं, पिथौरागढ़ से बाई एयर वहाँ मसूरी। हाँ सच में, और जल्दी से जल्दी जब भी हम करना चाहें, वो बोल रहे हैं कि जब भी आप चाहो। क्या क्या फ्री रहेगा उसमें? सब खाना पीना, खाने पीने से लेके ट्रैवल का सारा रहेगा, होटल का सारा रहेगा, बस पिथौरागढ़ तक का नहीं रहेगा, पिथौरागढ़ से पिथौरागढ़ पहुंचने तक का, पिथौरागढ़ से मसूरी, मसूरी से पिथौरागढ़, सारा फ्री। हंस क्यों रही हो अभी? हैं सच में कह रहा हूँ, हंस कहाँ रहा हूँ, हंस रही है, बोले हंसूंगा नहीं क्या, खुश हूँ तो हंसूंगा नहीं, याद हो गई। उल्लू बना रहे हो मुझे? उल्लू बना रहे हो? उल्लू क्यों बनाऊंगा? उल्लू बना रहे हो? क्यों बनाऊंगा उल्लू? क्योंकि आपको पता है आज उल्लू डे है ना? तेरे को कैसे पता? मुझे, मैंने खुद सोच रखा था आपके लिए बट मेरे को मौका नहीं मिला। याद हो गई यार, इसको तो पता है कि अप्रैल फूल है, आज एक अप्रैल है, तो मैंने सोचा इसके साथ साथ आप लोगों को भी बनाऊं, इसने तो मैंने आपके लिए सोचा था कि मैं एक बहाना बनाऊं, तो बहुत ही
बीमार हो गई वाला मैं, अचानक ही मेरे को बहुत ही बीमार हो गई, मैं कुछ सो जाऊं करके, बट मैं फिर व्लॉग नहीं कर पाता, मेरे को ये था कि ये शूट नहीं करेंगे, तब मैं शूट नहीं कर पाता। अच्छा मैंने पहले सोचा है इसके लिए कुछ ऐसा डब्बा वब्बा आईफोन का ऐसा कुछ करूँ, बट दिक्कत ये थी ना उन चीज़ों में ये समझ जाती, इसको पता है मैं अप्लाई करते रहता हूँ स्पॉन्सरशिप वगैरह के लिए, तो मुझे लगा शायद इसमें ये भटक जाए, लेकिन दिक्कत ही हो गई। हाँ भाई, लेकिन हो सकता है जल्दी सब्सक्राइबर को बता, तब मुझे आपसे पहले पता चल जाएगा। बोलो कैसे कैसे, सारी मेल्स मेरे फ़ोन पे ओपन है। हाँ ये तो है, हो सकता है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं, जय श्री राम। तो क्या हो गया फिर, तो हमारा मैं किसी धर्म की वो थोड़ी कर रहा हूँ, तो अपनी बट वो मेरे मुंह से निकल गया इसलिए मैं उसको करेक्शन कर रहा हूँ। जय श्री राम, भगवान ने चाहा तो जल्दी होगा, भगवान ने चाहा तो जल्दी होगा। स्वयं जो यहाँ पे हमारे विराजमान है श्री राम हनुमान जी, इन्होंने चाहा तो जल्दी ही ट्रिप बनेगा, स्पॉन्सरशिप आएगी।